हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। ऐसी नो मैं हूँ अनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैसूर दाल का इस्तेमाल से अपना हाथों को कालेपन को बॉडी को कालेपन को कैसे रिमूव कर सकती है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट किया है कि टैन को कैसे रिमूव करना, बॉडी टैन को कैसे रिमूव करना, गले के कालेपन को कैसे रिमूव करना। ये सब का प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। इस पैक को, मैसूर दाल को आप इस्तेमाल करोगे तो अपना टैन जरूर दूर होंगे और साथ ही स्किन भी टाइटन ब्राइटन होगा और अपना स्किन के अंदर दाग हो कुछ भी हो सब चले जाएंगे, स्किन क्रिस्टल क्लियर और टाइट बन जाएगा। और इस पैक को ऐसे ही धीरे धीरे जब टाइम मिलता है आपके पास ऐसा कंटिन्यू करने से अपने स्किन का रंग भी चेंज होगा, स्किन भी बहुत चमकदार ब्राइटनिंग दिखता है। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साइड पर बेल आइकॉन एक घंटी रहता है उसको आप दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए मैसूर दाल। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए मसूर दाल। ये मसूर दाल को मैं अच्छे से पाउडर बना चुकी हूँ। सबसे पहले क्लीन कटोरी में ये मसूर दाल का पाउडर ऐड कीजिए। मैं इतना क्वांटिटी ले चुकी हूँ क्योंकि ये मैंने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। बॉडी के ऊपर टैन को रिमूव करने के लिए आप इतना क्वांटिटी मसूर दाल लीजिए। इसमें हमें ऐड करना है बेसन का आटा क्योंकि बेसन का आटा भी अपना स्किन को सॉफ्ट करता है, इससे अपना स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। इसलिए मसूर दाल में मैं बेसन का आटा एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। मसूर दाल अपना स्किन को ऊपर टैन को डस्ट को दूर करता है, इससे अपना स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा और स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। अगर आपका स्किन को और स्किन के ऊपर कालेपन को टैन को दूर करना है, स्किन टोन को इम्प्रूव करना है तो मसूर दाल इस्तेमाल करना है। और बेसन का आटा सन टैन को रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। स्किन को सॉफ्ट करना है तो कंपलसरी बेसन का आटा इस्तेमाल करना है। मसूर दाल और बेसन का आटा इस्तेमाल करने से स्किन हमेशा के लिए साफ़ होगा और इससे स्किन भी बहुत ब्राइटन और टाइटन होगा, इससे स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। ये दो चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना है। और इसमें हमें ऐड करना है नीम का पाउडर। एक चम्मच नीम का पाउडर ऐड कीजिए। नीम लीफ का पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ, अगर आपका स्किन के ऊपर छोटे मोटे दाने हैं, ब्लैक स्पॉट्स है और स्कैर्स है, किसी तरह मार्क्स है तो उसको भी हटाना है तो नीम लीफ का पाउडर काम करते हैं। क्योंकि नीम लीफ का पाउडर स्किन के अंदर एक्नी को स्कैर्स को दूर करता है और अपना तो चेहरे के अंदर बैक्टीरिया को स्किन के अंदर बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो नीम लीफ पाउडर ऐड करना। इसमें हम दही ऐड करके मिक्स कर लेना है क्योंकि दही अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इससे अपना स्किन का टेक्सचर भी अच्छी तरह रहेगा और इससे अपना स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। तो इसलिए मैं दही ऐड कर चुकी हूँ। मसूर दाल, दही, बेसन का आटा और नीम का पैक ये जो है बॉडी वाइटनिंग पैक जैसा काम करता है। इसमें वाइटामिन्स मिनरल्स पाए जाता है, इससे अपना स्किन का टेक्सचर भी अच्छा होगा, स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है, इससे स्किन भी क्लैरिफाई होता है, प्यूरीफाई होता है और स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। अपना स्किन को गोरो करना है तो मसूर दाल पैक बहुत अच्छा काम करते हैं और बेसन स्किन को साफ करते हैं। नीम लीफ का पाउडर एक्ने को कांकनी को कंट्रोल करता है, स्किन के अंदर दाग को मिटाता है और मसूर दाल स्किन को गोरा करता है। तो इसलिए ये सब चीज़ अपना स्किन को अच्छे से काम करता है, स्किन के ऊपर विंकल्स को, फाइन लाइंस को, सन टैन को दूर करके अपना हाथों को, पैरों को, ऑल ओवर बॉडी को गोरा कर देती है। इस पैक को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। अब जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी इस पैक तैयार हो गया है बिल्कुल इस तरह। इस पैक को अपना चेहरा, बॉडी, ऑल ओवर फेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, इससे स्किन अच्छा होगा, स्किन भी टाइट होगा। इसको अप्लाई करने के पहले अपना चेहरे को ठंडा पानी से वॉश करके पोंछ लेना है। इसके बाद इस पैक को अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में मसाज करते वक्त रब कर लेना है। ऐसा करने से स्किन के अंदर डेड स्किन सेल जो है वो रिमूव होगा, इससे स्किन टोन भी अच्छा रहेगा और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। तो इसलिए इसके बाद अच्छा सा एक बार अप्लाई करके रब करने के बाद 2 मिनट के बाद फिर दोबारा और एक लेयर इसको चेहरा और बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, तब 10 मिनट हो जाएगा, ये सूख जाती है। जब अपने चेहरे को अच्छा सा गीला करके के वॉश कीजिए। ऐसे करने से टैन जो है रिमूव होगा, इससे स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और स्किन टोन भी बढ़ता है। एक पैक अपना स्क्रबर की जैसा काम करता है और बॉडी पैक की जैसा भी काम करता है। एक स्किन वाइटनिंग पैक से अपना स्किन अच्छा रहेगा, स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा और इससे स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। ये 100% नेचुरल और इफेक्टिव इसका है। इसे आप एक बार ट्राई करके देखिए, अपना स्किन जो है बहुत अच्छी तरह ग्लो और ब्राइटनिंग हो जाता है। इसे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, कुछ भी नुकसान नहीं है। ये 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव नुस्खा है अपना स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने के लिए।
इसको मेल फीमेल टीनेजर्स कोई भी अप्लाई करते हो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हर रोज़ इस्तेमाल कीजिए। हर रोज़ से स्किन का रंग गोरा होगा, स्किन साफ होगा, स्किन भी ट्राइटनिंग ब्राइटनिंग होगा। अगर आपके हाथों के ऊपर कालापन है तो हाफ हफ्ते तक ट्राई कीजिए, अपना हाथों के ऊपर कालापन भी दूर होगा। डार्क नीस एल्बोस के ऊपर अप्लाई करने से डार्क नीस एल्बोस लाइटन होगा और अपना स्किन के अंदर कहाँ भी दाग है उस एरिया पे ज़्यादा अप्लाई करके रब कीजिए, दाग भी दूर हो जाएगा। कंपलसरी आप ट्राई कीजिए, इससे विजिबल डिफरेंस आपको दिखता है। ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हो, आपका आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।